औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अब ये मार्च शुरू हो गया और आज शाबान की 11 तारीख है और मेरे पास ज़िंदगी कम है और मैं जो दावत का काम करते हैं वो मुकामात पे जाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए दुआ करो। और दूसरा ये करो कि मेरे वीडियोस जो दावत देते हैं उनको देखने के लिए कहो। मैं आपको लिल्ला आपसे कुछ नहीं लेना चाह रहा, मेरे को अल्लाह का बहुत कुछ दिया हुआ है, मैं तो मौत के इंतज़ार में हूँ और खातिमा बिल खैर के साथ जाना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको मेरे रोज़ के जो मराहिल से मैं गुजर रहा हूँ, जो तकलीफ़ात मैं देख रहा हूँ दावत के काम में, जो हार्ड टाइम मुझे मिल रहा है ये यूट्यूब के ज़रिए, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को नहीं चलने दे रहे हो लोग। एक से एक चैलेंज दे रहे हो भाई। सोचो मैं आज का वीडियो बनाया कि 2 मिलियन हो जाएंगे 2030 तक, और ये सिर्फ 20 साल के अंदर हम 1 बिलियन थे 20 साल पहले यानी 2000 में, अब 2023 है, अब हम 2 मिलियन के करीब आ जा रहे। अब आप गौर करो, क्या क्रिश्चियनिटी फैली दुनिया में? अगर फैलती तो इस्लाम में क्रिश्चियन नहीं आ जाते। जैसे अभी अमेरिका के एक लड़का अफ्रीकन है, वो मुसलमान हो गया, उन्हें जो है वो रिएक्शन का एक वीडियो देख रहा था, उसमें मिलिट्री के 1000 मिलिट्री के जो अमेरिकन्स होते हैं वो मुसलमान हो गए। अब और एक बात सोचो, यूरोप अमेरिका कनाडा ये खुद टेररिस्ट है, इन लोगों ने 500 से हमारे लिए जो है बर्बाद करने के, हमारे इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए 500 शोशे छोड़े वो लोग। शोशा नंबर 1, मुसलमान चांद की इबादत करता, खुदा चांद को समझता समझे। नंबर 2, औरत को हार्ड टाइम देता, बोले ड्राइविंग भी नहीं कर सकती, आज़ादी भी नहीं है, बोले औरत को मारता भी, बोले। और तीसरा, मुसलमान जो है कज़न से शादी करता, बोले। जबकि यहाँ के ट्रेनों के अंदर लिखा हुआ है, मैं कई बार पढ़ा उनके मैसेजेस, क्रिश्चियन जो अपने क्रिश्चियनों को दे रहे थे, बोले थे क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन तू कज़न के साथ मत जा, मतलब उन्ना वो बगैर शादी के कज़न्स के साथ जा रहे, बोले सर खाली जीना करने, अडल्ट्री के लिए बिस्तर करने। और एक क्या बोलते वो लोग कि जी बाइबल जो है ना उसकी कापी कुरान करे, वो लोग बोलते। फिर पूरी दुनिया में हमको टेररिस्ट बोल दिए। अब यहाँ का एक लेक्चर आ रहा, आज के ऐसे लेक्चर्स आ रहे कि बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा देखो, कुरान में देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बाइबल में देखो, कुरान में देखो, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का किस्सा बाइबल में देखो, कुरान में देखो। क्यों बना रहे भाई? जबकि वो लोग हमारी बाइबल से तुम लोग कुरान बना लिए, बोले कापी करे, बोले। और ये भूल गए वो लोग कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता। मगर ये बात ये भी नहीं सोचे वो लोग कि बाइबल देने वाले मूसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम या नूह अलैहिस्सलाम के किस्से के वक्त, इब्राहिम कोई किस्सों के वक्त नहीं है। मन गलत स्टोरी लिख के दिए, कैसा लिख के दिए, वो तौरात पहले से थी, जबूर थी, उसके जो फॉलो करने वाले थे वो इस्लाम से हटक के चिल्ड्रंस ऑफ इस्लाम भटक गए, तो वो किताबों को लोगों ने बदल दिया, उसके हवालों को लेके बाइबल में अक्स किया, डाल दिया। भाई जिंदगी को सीरियस समझो,
3 बिलियन को मैं बचा सकता हूँ, 3 बिलियन लोगों, 2 बिलियन क्रिश्चियनों को और 1 बिलियन हिंदू को बचा सकता हूँ अगर तुम सीरियस हो तो। मैं अब निकलूँगा, लोगों को बताऊँगा कि देखो इस्लाम 9/11 के बाद से यहाँ कितना तेज़ी से फैल गया। अल्लाह की शान ये हुई कि अल्लाह जो वादा किया था कुरान में हर घर में इस्लाम होगा, वो वक्त आ गया और क़यामत का भी है, क़यामत की निशानी में मिल गई और अल्लाह का कहा हुआ वादा पूरा हो गया। अब सोचो अगर से क्रिश्चियन के पास होली स्पिरिट फादर इन सन रहता तो ये इस्लाम को रोकता था, तेज़ी से फैल रहा, पूरे चैनल बोल रहे, उठा के देखो। या उनका इनकारनेशन गार्ड रहता ईसा अलैहिस्सलाम तो वो रोक सकते थे, या जो खुदा कौन सा खुदा वो भी नहीं बोल रहे लोग, अल्लाह को भी बेटा बोल रहे, यहोवा यानी यहूदी के खुदा को भी बेटा ही है बोल रहे, दो खुदाओं के बीच में एक बेटा है, अल्लाह इजिप्ट की तरफ के क्रिश्चियन काप्टिक बोल रहे, यहोवा जो जूश टाइप के जो अमेरिकन से काप्टिक जो यहवे जो विटनेस वाले बोल रहे, तो रोका क्यों थी? ये वायरल हो रही या नहीं रही, बात समझो। देखो भाई मैं आपको इतना ही कह रहा हूं कि मेरे वीडियोस जो दावत देते उन लोगों को देखो बोलो, अल्लाह जानता ना तो जो है तुम्हारे को मालकम एक्स ऐसी बात दिया, ना तो तुमको जाकिर नायक दिया, ना अहमद दीदा, क्यों बोल रहा मैं? क्योंकि जो बात अल्लाह ने कही थी वो हम 2 बिलियन हो जाएंगे अब 7 सालों के अंदर, और ऑलरेडी 1 बिलियन 800 मिलियन है हम आज ऑलरेडी, सिर्फ 20 मिलियन की जरूरत है हमारे, और यहूदी 14 मिलियन है, वो घटेगा ही मगर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो लोग बाहर के नहीं लेते लोग और उनको बच्चे नहीं पैदा हो रहे, और उनके अंदर वो जो लड़ाई झगड़े होते रहते इसराइल में उसमें समझो एक साल को 100 तो मर रहे हैं, उन लोग नहीं बढ़ते वो लोग। क्रिश्चियन का ही मसला है, क्रिश्चियन जो है खाली इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में पैसा देके इनको क्रिश्चियन बना रहा, और पैसे से ईमान नहीं बनता, ईमान को पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी आखिरत के लिए बोलो, तुम समझो ये बात कि अल्लाह चैलेंज कैसा दे रहा, पूरी दुनिया में आ जाएगा इस्लाम, आ गया या नहीं देख लो, सिर्फ 1400 साल में 1400 और क्रिश्चियन 2000 साल हो गया, 600 साल ज्यादा है, और वो लोग हमारे से कैसा घट जा रहे, हिंदू तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है हिंदू, वो बिलियन बोल रहा उसके अंदर दलित भी है, उसमें सनातन भी है, उसमें जैनिज्म भी है, उसमें हिंदुइज्म भी है, उसमें सिखिज्म भी है, सबको हिंदू बोल रहा उन्हें, दूर दूर तक नहीं है उन्हें। अब हमारा खुदा ईसा को पैदा किया बोले तो उसका हिंदुओं के 33 मिलियन के जो मजबूत खुदा समझ रहे वहाँ है ही नहीं उन्हें, हमारा खुदा जो है हमारे को 57 ममालिक दे दिया 1400 साल में, दौलत भी दे दिया, हमारे अंदर साइंटिस्ट भी है, हमारे अंदर मैथमेटिक्स भी है, हमारे अंदर अभी जो एक जो यहाँ का जो मशहूर है रिच मैन, उन्हें अभी सऊदी की तरफ जो है वीडियो से पैगाम दिया कि इस्लाम तेज़ी से फैल रहा, एलन मास्क है उसका नाम, जो मैं बता इस्लाम का दुश्मन था, उन्हें खुद अब अंदाजा कर लिया क्योंकि उसको बताए लोग सबसे फैलने वाला ज्यादा इस्लाम में, बोल के बता दी, उन्हें बोल दिया, अल्लाह हू अकबर।